सो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआईटी जमशेदपुर का लेटेस्ट प्लेसमेंट बताने जा रहा हूँ 2022 का। इसमें मैं आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जिकल, टोटल 7 ब्रांचेज हैं बीटेक की। सारी ब्रांचेज को मैं इसमें कवर करूँगा। अगर मैं एनआईएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 26 आई है एनआईटी जमशेदपुर की इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो चलिए अब हम लोग एनआईटी जमशेदपुर का प्लेसमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच का प्लेसमेंट देखेंगे। और यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 93 रजिस्टर्ड थे जिन्होंने अप्लाई किया है प्लेसमेंट के लिए, और 93 का हो गया, यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का 100% यहाँ प्लेसमेंट है। अब मैं बात करूँ हाईएस्ट की, हाईएस्ट 56 एलपीए गया है, एवरेज प्लेसमेंट 24.63 गया है, और लो 6 एलपीए गया है। सो ये सीएससी का प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 72 कैंडिडेट थे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उसमें से 66 का हो गया है। सो लगभग 80-85% के आसपास प्लेसमेंट है सिविल का। और हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 एलपीए गया है, एवरेज प्लेसमेंट 7.82 गया है, और लो 4.5 एलपीए गया है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट। सो यहाँ पे 92 बच्चों में से 87 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, तो 90% के आसपास इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 एलपीए गया है, एवरेज यहाँ पे 16 एलपीए गया है, और लो 4.95 गया है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्लेसमेंट देख लेते हैं। 96 कैंडिडेट में से 96 प्लेसमेंट हो गए, यानी कि 100% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्लेसमेंट है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो 72.50 एलपीए यहाँ पे जाता है, एवरेज 20.53 एलपीए है, और लो 4.8 एलपीए है। तो एनआईटी जमशेदपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएससी दोनों का बहुत ही कमाल का प्लेसमेंट है। अब हम मैकेनिकल ब्रांच की बात कर लेते हैं। इसमें से 93 स्टूडेंट में से 91 का हो गया है। सो मैकेनिकल का बहुत ही धांसू प्लेसमेंट है, 97-98% प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 32 एलपीए गया है मैकेनिकल का, और एवरेज 10.17 गया है, जो कि बहुत टॉप की जो एनआईटीज हैं उनको भी बीट कर देता है एवरेज प्लेसमेंट के मामले में। जैसे एनआईटी राउरकेला, जमशेदपुर, वारंगल, तिरची, सूरतकल, इन सबको बीट कर देता है एवरेज प्लेसमेंट। बहुत ही कमाल का एवरेज प्लेसमेंट है, लो 3.6 गया है, 4.48 गया है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल का भी देख लेते हैं। 32 गया है हाईएस्ट, और एवरेज 10.17 गया है, लो 3.6 एलपी गया है, और यहाँ 44 में से 43 स्टूडेंट प्लेसमेंट हो गए थे प्रोडक्शन में। इसके बाद हम लोग मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस का देख लेते हैं। इसमें 91 कैंडिडेट में से 87 का प्लेसमेंट हो गया है, और एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 8.8 है। हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए गया है, और लो यहाँ पे 3.5 गया है, और लगभग 95% के आसपास प्लेसमेंट है। सो मेटलर्जिकल मेटल साइंस का प्लेसमेंट भी अच्छा ही है एनआईटी जमशेदपुर के अंदर में। अब ओवरऑल अगर हम 7 ब्रांचेज का एवरेज निकाल के देखें तो बीटेक का एवरेज प्लेसमेंट 14.72 गया है, जो कि इस एनआईटी को काफ़ी ऊपर टॉप 10 एनआईटीज में बनाती है प्लेसमेंट के हिसाब से। एनआईएफ रैंकिंग इसकी 26 आई इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो एनआईटी जमशेदपुर अच्छी एनआईटी है। सीएससी का आप देख सकते हैं, बहुत ही सीएससी ईसी का बहुत ही कमाल का प्लेसमेंट है। इवन मैकेनिकल का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर ऑफर होती है किसी भी राउंड में, तो आप इसे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और विश। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आपको चार चीज़ें बतानी है, आपकी रैंक बतानी है, आपकी कैटेगरी बतानी है, आपका कोटा बताना है, और आपका जेंडर मेल या फीमेल आप बता सकते हो। अगर आप बताते हो तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि कौन सी बेस्ट कॉलेज आपको बेस्ट ब्रांच के साथ में मिल सकती है प्लेसमेंट के हिसाब से। सो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @keshavsharma_kd। और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जोसा, CSAB, CCMT किसी भी की भी काउंसलिंग करा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।